हेलो एवरीवन, आज मैं बात करूंगा चाइना गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की। और चाइना गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो है वो शंघाई जियाओटोंग यूनिवर्सिटी में जो है वो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में बात करूंगा। ना सिर्फ चाइना गवर्नमेंट स्कॉलरशिप बल्कि शंघाई जियाओटोंग यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप और शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, इन तीनों का ऑलमोस्ट सेम प्रोसीजर है। और आप जो है वो इन तीनों को जो है वो कलेक्टिवली मैं आपको बताता हूँ और डिफरेंस भी बता दूंगा किस तरीके से डिफरेंट है एक दूसरे से। और एनीवेज आज मैं जो है वो शंघाई जियाओटोंग यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसीजर के बारे में बात करूंगा। मेरा नाम है नौशरवान और मैं वीडियोस बनाता हूँ लोगों के लिए जो चाइना में आकर पढ़ना चाहते हैं, स्पेशली स्कॉलरशिप्स के ऊपर। अगर आपका किसी भी किस्म का स्कॉलरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप जो है वो कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरा फेसबुक पेज है उस पर मुझसे आप जो है वो पूछ सकते हैं। फेसबुक पेज है facebook.com/dnosh और अगर आप YouTube पर मुझे देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वहाँ पर आपको और भी बहुत सारी जो है वो वीडियोस अवेलेबल हैं और वो आपको मिल जाएंगी। सबसे पहले मैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करता हूँ कि आप वो बहुत ही सिंपल है और सेम है जैसे कि आप बाकी यूनिवर्सिटीज़ का है कि आप चाइनीज सिटीजनशिप नहीं होनी चाहिए आपके पास। उसके अलावा जो है वो आप शंघाई जियाओटोंग यूनिवर्सिटी में रजिस्टर्ड नहीं होने चाहिए। इट मीन्स कि अगर आप ऑलरेडी स्टूडेंट हैं वहाँ पे सेल्फ फाइनेंस पे पढ़ रहे हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और इसके अलावा जो मास्टर्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए 35 इयर्स ओल्ड की एज लिमिट है और जो PhD के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए 40 ईयर्स की रिस्ट्रिक्शन है। और इसके अलावा अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एटलीस्ट 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए और अगर आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एटलीस्ट 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। शंघाई जियाओटोंग यूनिवर्सिटी के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये बहुत ही अच्छी स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटी है और आप इसकी QS रैंकिंग भी चेक कर सकते हैं, आपको पता चलेगा कि ये एक अच्छे रैंक की यूनिवर्सिटी है। इसमें जो है वो अगर आप स्कॉलरशिप पर अप्लाई करते हैं तो स्कॉलरशिप में आपको जो है वो सबसे पहले जो आपकी ट्यूशन फीस है वो आपकी ऑफ हो जाएगी और उसके बाद आपका जो अकोमोडेशन है वो आपकी फ्री होगी, यूनिवर्सिटी की तरफ से होगी, CSC की तरफ से होगी बेसिकली। और इसके अलावा जो है वो आपको पर मंथ अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको 3000 RMB और अगर आप PhD के स्टूडेंट हैं तो आपको 3500 RMB जो है वो पर मंथ मिलेंगी। एक अच्छी बात जो है वो शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की है कि वो भी एग्जैक्टली सेम अमाउंट पे करते हैं मास्टर्स के लिए 3000 और PhD के लिए 3500 RMB, जबकि बाकी जो स्कॉलरशिप्स हैं दूसरी प्रोविंसेस की दूसरी सिटीज़ की जो लोकल स्कॉलरशिप्स हैं उसमें ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है वो आपको पार्शियल स्कॉलरशिप देता है, सिर्फ आपको फर्स्ट ईयर की जो ट्यूशन फीस है वो आपकी फ्री होती है और नेक्स्ट जो 2 ईयर्स है उसमें आपको हाफ ऑफ समटाइम्स मिलती है समटाइम्स नहीं मिलती है। बट शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का जो है वो अच्छी बात यह है कि वो आप जो है वो आपको सेम अमाउंट जो है पर मंथ मिल रही होती है। अगर आप डायरेक्टली CSE अप्लाई करना चाहते हैं और यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली अप्लाई करना चाहते हैं बगैर चाइनीज़ एम्बेसी या पाकिस्तानी या आपकी अपनी जो होम गवर्नमेंट है उसके थ्रू आप अप्लाई नहीं करना चाहते तो फिर आपको Category B अप्लाई करना होगा। तो Category B में आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो इनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है या जो इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म की रिक्वायरमेंट्स है वो एप्लीकेशन फॉर्म के लिंक्स वगैरह सारा कुछ जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूँगा, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें तो इम्पोर्टेंट जो डेट्स हैं जो आपने अप्लाई करना है वो है 31 मार्च, 31 मार्च जो है वो इनकी डेडलाइन है। 31 मार्च के बाद अगर आपके डॉक्यूमेंट्स इनको रिसीव होंगे या आपकी एप्लीकेशन रिसीव होगी तो उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। अगर आप सेल्फ फाइनेंस पर आकर पढ़ना चाहते हो और यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो आपकी जो डेडलाइन है वो 31 मई है। जो यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन डेट है वो 7 सितंबर 2019 है और ये जो है वो डिपेंड करता है, समटाइम्स आपको रिलैक्सेशन मिल जाती है, आप थोड़ा लेट भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है इस यूनिवर्सिटी में 800 RMB जो है वो रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी होगी, उसके बगैर आपकी एप्लीकेशन जो है वो प्रोसेस नहीं की जाएगी। जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पर दी गई है उसमें जो है सबसे पहले आपका हाईएस्ट जो डिग्री है वो उसकी कॉपी आपको नोटराइज्ड होनी चाहिए और वही कॉपी आप जो है वो ऑनलाइन जो है वो आप अपलोड करेंगे और उसके बाद आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं उनकी कॉपीज होनी चाहिए आपके पास और उसकी जो ओरिजिनल स्कैन है आप उसको कर लें, ट्रांसक्रिप्ट स्कैन करके आप जो है वो उसको अपलोड कर लें। उसके अलावा आपको लैंग्वेज
proficiency certificate चाहिए होगा और ये जो है वो आप अपनी यूनिवर्सिटी से भी बनवा सकते हैं, वो आपको बना देंगे कि इसने जो है वो इंग्लिश में पढ़ा था यहाँ पर और इसकी इंग्लिश अच्छी है ब्ला 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 और इंग्लिश सर्टिफिकेट आपको बन जाएगा। उसके अलावा आपकी स्कैन कॉपी चाहिए होगी पासपोर्ट की, अगर आपके पास नहीं है तो आप उनको बता सकते हैं कि जी मेरे पास अभी पासपोर्ट नहीं है और मुझे कुछ दिन में मिल जाएगा और आप उसको लेटर ऑन सबमिट करवा सकते हैं। उसके अलावा आप पासपोर्ट साइज फोटोज आपको इसमें अटैच करने होंगे तो, और पर्सनल स्टेटमेंट या रिसर्च स्टडी प्लान आपको जो है वो लाजमी अटैच करना होगा। स्टडी प्लान होता है मास्टर्स वालों के लिए और जो अगर आप पीएचडी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको रिसर्च प्रपोजल मस्ट ऐड करना होगा इसके साथ। अगर आपके पास रिसर्च प्रपोजल नहीं है तो आपकी एप्लीकेशन को इनकम्प्लीट समझा जाएगा और आपकी जो आपकी एप्लीकेशन है उसको जो है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं वो डाउट जो है वो बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो स्टूडेंट को देती है, इनकेस अगर वो अपलोड करने में भूल गया या मिस हो गया तो वो आपको ईमेल करके पूछ लेती है कि क्या आपके पास रिसर्च प्रपोजल है, अगर आपके पास है तो आप भेज दें। बट मोस्टली यूनिवर्सिटीज जो है वो ऐसा नहीं करती हैं तो इसलिए आप जो है इसको भूले मत, आप खुद से जो है वो अपलोड ज़रूर करें। अगर आप अपलोड नहीं करेंगे तो फिर आपकी जो एप्लीकेशन है उसको जो है वो कंप्लीट कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, शंघाई जियाओतोंग यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने सीएससी का फॉर्म फिल करना है, उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद आपने जियाओतोंग यूनिवर्सिटी का अपनी जो वेबसाइट है उसको भी फॉर्म फिल करना है, उसका भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं और उसके बाद जो है अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स की जो कॉपीज हैं एक सेट जो है वो आपने यूनिवर्सिटी का जो है वो सेंड कर देना है। दैट्स प्रीटी मच। और अगर आपका किसी भी किस्म का क्वेश्चन है शंघाई जियाओतोंग यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन से रिलेटेड या फिर आपका चाइना गवर्नमेंट स्कॉलरशिप से रिलेटेड, स्टडी इन चाइना, किसी और यूनिवर्सिटी से हवाले से अगर आपका क्वेश्चन है तो आप जो है वो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आपको और बहुत सारी वीडियोज़ जो है वो देखने को मिलेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।